सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो है बिगनर्स के लिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम चाक किस तरीके से बनाते हैं, और बिल्कुल इजी तरीका है वैसे चाक बनाने का, पर जो हमारे बिगनर्स हैं उनको फिर भी थोड़ी सी परेशानी होती है, वो फिनिशिंग से नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी कि फिनिशिंग से किस तरीके से आप कुर्ती के चाक बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाया करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो कुर्ती, इसमें मैं आपको चाक बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसके जो साइड्स होते हैं कुर्ती के वो मैंने सील के रखे हुए हैं, हमें सिर्फ चाक को ही सीखना है आज। तो ये यहाँ तक है हमारी सिलाई फिटिंग की। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बिल्कुल आसानी से और फिनिशिंग से किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये हमने निशान लगाया हुआ है जितना हमने फोल्ड करना है। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से करेंगे, निशान तक मोड़ेंगे, और ये हमारी सिलाई का यहाँ पे है, यहाँ तक इस तरीके से मोड़ेंगे, और जो नीचे वाला पल्ला है उसको भी इसके बराबर ही मोड़ेंगे इस तरीके से, और ऐसे रख के हम इसके ऊपर पहले प्रेस लगाएंगे। तो इसको हम प्रेस कर लेते हैं पहले, चलिए प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हल्का सा कट लगाया है, ये हमारी सिलाई है, इससे तकरीबन 1 इंच ऊपर हमें ये कट लगाना है ताकि जब हम फोल्ड करें तो ये आराम से फोल्ड हो जाए। तो चलिए हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, अब हम एक बार और इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इस पे प्रेस कर लेंगे अच्छे से। नीचे वाले कपड़े में भी ऐसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, और अब इस पे आप चाहे तो पिन भी लगा ले, चलिए पिन लगा लेते हैं। दोनों चाकों पे इसी तरीके से आप प्रेस लगा के इसी तरीके से फोल्ड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मशीन पे बताती हूँ इसकी सिलाई। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें लगाएंगे सिलाई। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने इस तरीके से किया है, वैसे मुझे इस चीज की जरूरत नहीं रहती है, मैं डायरेक्ट इसको फोल्ड करके और सिलाई लगा लेती हूँ, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। बट जो बिगनर्स हैं उनको ये सिलने में बहुत प्रॉब्लम आता है और उनकी सफाई नहीं आती, मुझे कमेंट्स भी आते कि मैम फिनिशिंग नहीं आती। तो फ्रेंड्स, आप जो भी काम करते हो आप बड़ी ही तसल्ली से काम करो, और इसी तरीके से भले आपको टाइम लगता है तो लगे, पर आप इसी तरीके से काम करें और बहुत फिनिशिंग आएगी और आपको खुशी भी होगी जो कपड़ा आप सिलेंगे। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम कोने में आने वाले हैं ऊपर लास्ट में, और ये जो हमारी सिलाई है, ये वाली लास्ट की सिलाई है जो फिटिंग की, इससे तकरीबन 1/2 इंच से कम हम ऊपर से सिलाई लेंगे। अब इसको इस तरीके से आराम से, तो फ्रेंड्स इस कोने पे हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से आप थोड़ा सा पक्का कर लें आगे पीछे मशीन को, सुई को कर लें, क्योंकि यहाँ से उधड़ जाता है कुर्ता, तो हम यहाँ से थोड़ा सा पक्का करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे मशीन को, पहले आगे लेके आएंगे, दो बार चलाएंगे हल्का हाथों से, फिर उसको पीछे ले जाएंगे। तो इस तरीके से ही हमारा पक्का हो जाएगा यहाँ से। अब हम आगे चलेंगे, अब इसको भी हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि प्रेस करने से कितनी आसानी से हो गया, वैसे हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, पर ये बिगनर्स के लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, प्रेस करके उनके लिए बहुत इजी हो जाता है।
तो फ्रेंड देखिए ये बन गया है हमारा ये चाक और बहुत ही फिनिशिंग से बना है। तो फ्रेंड जो भी आप बिगनर्स हो वो इसी तरीके से करें और उनके हाथों में भी बहुत फिनिशिंग आएगी जिस तरीके से मैंने बनाया है। तो ये देखिए इस तरीके से आएगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।